Hello, students. Today we are going to talk about the poem A Photograph by Shirley Tolson. In this poem, the poet recalls about the childhood of her own mother, how young and pretty her mother was in her childhood. In the first paragraph, she talks about her mother's childhood when she went to a sea holiday with her uncle and two cousins betty and dolly in the second paragraph the poet talks about the time when the poet was born and her mother was a grown up lady and in the last paragraph the poet talks about the time when her mother is dead and what he what she feels about her mother so let us start the poem the cardboard shows me how it was यहां पर पोएट जो है कार्डबोर्ड को इंडिकेट करके बोलती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज हाउ इट वॉज मीन्स कैसा था मीन्स उसकी पोएट का बचपन हेयर द क्वेश्चन इज हाउ इट वॉज सो हेयर हाउ इट वॉज मीन्स द पोएट्स मदर्स चाइल्डहुड यहाँ इसी पहली लाइन में जो है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज तो द कार्डबोर्ड जो है एक पर्सोनिफाइड किया गया है इसको एक ह्यूमन्स की तरह इसको कैरेक्टराइज किया गया है तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है पहली लाइन में द कार्डबोर्ड को जो है एज ह्यूमन बींग माना जा रहा है द नेक्स्ट लाइन इज वेन द टू गर्ल कजेंस पैडलिंग यहाँ पर पोइट बताती है कि जब दो लड़कियाँ यानी चचेरी बहनें पैडलिंग का मतलब होता है रेत या पानी पर चलना तो वो जो है जब पानी पर चल रही थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स और वो पोइट बताती है कि दोनों जो लड़कियाँ हैं जो चचेरी बहनें हैं वो दोनों उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए थी दोनों तरफ एंड द बिग गर्ल अब यहाँ बिग गर्ल की बात पोएट की मदर से है एंड शी द बिग गर्ल यहाँ शी इंडिकेट्स करता है पोएट की मदर को सम आर और यहाँ पोइट बताती है कि उसकी माँ की जो उम्र थी वो कुछ बारह साल की थी ऑल थ्री ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दर हेयर यहाँ पोइट बताती है कि दो तीनों ने जो है समुद्र में वहां नहाया और फिर जो है अपने बाल आगे करके फोटो खिंचवाई और उन बालों के पीछे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था एट द अंकल विद द कैमरा यानी उनके अंकल भी जो है एक कैमरा लेकर साथ गए थे उस हॉलीडे के लिए अ स्वीट फेस माई मदर्स यहां पोएट बताती है कि उसकी माँ का जो चेहरा था वो बहुत प्यारा और खुशियों से भरा हुआ था दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न यहां ये पता चलता है कि ये मदर अपने पोएट जो है अपने मदर के चाइल्डहुड के विषय में बात कर रही है जैसा कि साफ साफ है दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न यह उस समय का है यह फोटो है जब वो पैदा नहीं हुई थी यानी उसके पैदा होने से पहले पोइट के यहां आई जो है पोएट को रेफर करता है इस पूरे पैराग्राफ में एलिट्रेशन काफ़ी है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कि माय मदर्स हैंड्स माय मदर्स हैंड्स यहाँ पर जो है एलिट्रेशन है एम जो कंसोनेंट साउंडिंग लेटर है वो एम है माय में है और मदर में है अगला एग्जांपल जो एलिट्रेशन का है फोर्थ लाइन में है स्टूड स्टिल टू स्माइल यहाँ पर एस जो लेटर है वो कॉन्सोनेट साउंड वाला है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वहां होती है जब कॉन्सोनेंट साउंड के लेटर जो है रिपीट करें तो स्टूड स्टिल टू स्माइल में एस जो है रिपीट हो रहा है बार बार तो ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर एलिट्रेशन है नाउ द नेक्स्ट लाइन इज देयर एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस यहाँ पर पोएट कहती है कि और जो समुद्र है जो कि जरा सा भी बदला हुआ नहीं लगता है वॉश दियर टेरेबली ट्रांजियंट फीट एंड हेयर द मत पोइट टेल्स दैट सी वेब्स वॉश दियर टेरेबली ट्रांजियंट फीट यहाँ पर पोइट जो है नेचर की इमोर्टेलिटी और ह्यूमंस की मोर्टेलिटी की बात कर रही है कि समुद्र जो कि उस समय वैसा जैसा आज है वैसा ही तब भी था और उसने जो है पोएट्स की मदर और उनकी जो कजिन थी उनके जो पैर वहां पर बने हुए थे सी बीच पर वो धुल गए हैं यानी मिट गए हैं टेरेबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिट्रेशन है टी का लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड वाला टेरेबली ट्रांजिएंट हे द पोएट टेल्स अबाउट द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमस एंड इमोर्टेलिटी ऑफ नेचर शी टेज दैट विद द पासिस टाइम लॉट्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द ह्यूमस लाइफ बट देर इज नो चेंज इन द नेचर टेरेबलिट ट्रांसजेंड का मतलब यहाँ पर जो है शॉर्ट लिब्ड से है यानी बहुत थोड़े समय के लिए जो ह्यूमस की लाइफ होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है अगर प्रकृति की तुलना में देखें तो प्रकृति जो है वो इमोर्टल है कभी नष्ट नहीं होती है और प्रकृति का ही रूप है समुद्र जो कि वैसा ही बना हुआ है जैसा कि पोएट की पोएट की माँ के बचपन में था और आज भी वो वैसा ही है नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज देर सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर इस दूसरे पैराग्राफ में पोएट जो है तब की बात कर रही है जब उसकी माँ जो है शादी हो गई थी उसकी माँ की और वह पैदा हो गई थी पोएट पोइट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैप शॉट यहाँ पोइट बताती कि जब वो अपनी माँ के साथ रह रही थी तो एक दिन जो है उसकी माँ ने अपने बचपन का फ़ोटो देखा था और उसके ऊपर वो बहुत हंसी थी यानी उनको बहुत हंसी आई थी अपने बचपन की फ़ोटो देखकर सी बेटी एंड डॉली शी वुड से और उन्होंने कहा था देखो बेटी और डॉली को एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच और वो यहाँ पर दे से मतलब है पोएट पोएट की जो माँ है उनके पेरेंट्स के विषय में बात कर रही है कि कैसे उन्होंने जो है उनकी ड्रेसेज यानी फनी ड्रेसेस थी अपने बचपन की ड्रेसेस को देख करके उसकी माँ खुश हो रही हैं कि कैसे वो दिखते थे वो लोग बचपन में यानी ये खुशी का समय है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज़ हर लाफ्टर यहाँ पोएट बताती है कि द सी हॉलीडे मीन्स वी बोथ वर हैप्पी एट अवर्स टाइम मीन्स माई मदर वॉज हैप्पी एंड फ्री व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड एंड वेंट टू अ सी हॉलीडे शी स्पेंट अ टाइम देयर एट द सी एंड पोएट टेल्स अबाउट हर्स ओन दैट शी वॉज हैप्पी वेन हर मदर वॉज अलाइव एंड शी लिब्ड टूगेदर विद हर मदर यहाँ पोइट बता रहे कि सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट हर का मतलब यहाँ पोएट की मदर से है माइंड इज़ हर लाफ्टर और मेरे लिए उसकी खुशी जो है पास्ट में यानी कि नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड एंड बोथ हैव लास्ट समथिंग यहाँ कह रहे हैं बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस यानी वो दोनों ने कुछ ना कुछ खो दिया है राय का मतलब होता है वेन यू हैव ए कंप्लेनिंग जेस्चर टूवर्ड समबडी और समथिंग यानी जब आप किसी से शिकायत करें लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते तो बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस मीन्स हेयर जस्ट बोथ हैव टू फेस द ट्रबल्ड टाइम वेन दे हैव लॉस समथिंग दो दे डो नॉट वॉन्ट टू लूज

यहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है यानि कि ऑक्सीमोरन वहां पर होती है जहां पर दो वर्ड यूज किए जाएं और दोनों का मीनिंग अपोजिट हो लेबर्ड इज़ लेबर्ड यहाँ पर जो है हार्ड सिचुएशन को बताता है हार्ड फीलिंग यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को बता रहा है और ईज का मतलब आसान से है कि दो लेबर्ड इज दोनों कॉन्ट्रेरी मीनिंग है इसलिए यहाँ पर ऑगजीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है नाउ द थर्ड पैराग्राफ इज देर नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मनी ईयर्स एज देट गर्ल लिव्ड अब यहाँ पोइट बताती कि उसकी माँ की डेथ को बारह साल हो गए हैं जब यानी ये वो टाइम है जब अपनी यानी माँ की डेथ को बारह साल हो गए हैं और ये वही टाइम है जब उसकी माँ जो है बारह साल की उम्र में सी हॉलीडे पर गई थी यानी पहले पैराग्राफ में फोर्थ लाइन में सम ट्वेल्व यर्स आर सो तो यानी कि उसकी माँ के डेथ को उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वह समुद्र की में छुट्टियाँ मनाने गई थी जब वह बारह साल की थी तो समुद्र में छुट्टियाँ मनाने गई थी और उसकी डेथ को भी बारह साल हो गए हैं अब नरेटर यानी पोइट कैसा फील कर रही है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल और पोएट कहती इस सिचुएशन यानी इस परिस्थिति में उसके पास शब्द नहीं है क्योंकि मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको व्याख्यात करने के लिए जिसके विषय में कुछ कहने के लिए हमारे पास कभी नहीं होता इट्स साइलेंस साइलेंसेज यानी मौत की जो शांति है वह हर चीज को शांत कर देती है यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है साइलेंस साइलेंसेज एस जो कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है वो रिपीट हो रहा है दोनों वर्ड्स में यानी एस लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है दोनों में यानी कि साइलेंस में और दोनों साइलेंसेस सो डियर स्टूडेंट्स दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच और है जैसे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है वॉश दियर टेरेबली ट्रांसजेंट फीट तो यहाँ पर ये यह जो ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट वो होती है जैसे कि कोई कोई एक एडजेक्टिव यूज़ करके हम दूसरे नाउन के साथ रख देते हैं जो उसका इफेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर देता है यहाँ जो है ट्रांसफर यानी कि समुद्र ने जो है उनके पैरों के जो फुटप्रिंट्स थे उनको धुल दिया यानी मिटा दिया तो ट्रांजिएंट वर्ड जो है वो उनके फुटप्रिंट्स जो समुद्र पर बने थे उनके लिए है टेम्प्रेरी थे और यहाँ पर जो इसका इफ़ेक्ट है टेम्प्रेरी यानी शॉर्ट लिव्ड वाला वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है यानी कि वो जो पैर यानी छोटी बच्ची भी अब नहीं रही यानी कि उसकी माँ जो है अब जीवित नहीं है तो शॉर्ट लिप्ड का जो इफेक्ट है ट्रांजिएंट उसके पैरों के फुटप्रिंट के लिए जो कहा गया है वो जो है शॉर्ट लिप्ड की सिचुएशन जो है यानी कि उसकी माँ के लिए ट्रांसफर हो गई है इसलिए यहाँ ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी